मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार द्वारा अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में कमलनाथ सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 1 मई तक प्रदेश में 1000 गौशालाएं खोली जाएंगी। कमलनाथ सरकार का यह कहना है कि जनता को गो संरक्षण से जोड़ना तय किया गया है। कोई भी व्यक्ति गाय को गोद ले सकेगा। ऐसी गौशालाओं को आर्थिक मदद करने के लिए एक विशेष पैकेज भी दिया जा रहा है और कमलनाथ द्वारा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि इस पर तुरंत काम शुरू कर दिया जाए। गौशालाओं की स्थापना पर 450 करोड़ रुपये भी खर्च किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कमलनाथ द्वारा यह भी बात कही गई थी कि मध्य प्रदेश में एक भी सरकारी गौशाला क्यों नहीं है। जब यह जानकारी सामने आई तो नाथ ने चौंक कर यह भी कहा, क्या सरकारी एक भी नहीं है? नारे तो खूब लगाते हैं, पूरे 15 साल ऐसे ही निकाल दिए। इस पर सभी हंस दिए। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में 614 निजी गौशालाएं हैं, इनमें से 313 का विस्तार किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी गो सेवा के नाम पर आए दिन आंदोलन करती रहती है। उसी का जवाब देने के लिए अब कमलनाथ सरकार द्वारा यह कार्य किया जा रहा है और प्रदेश में 1000 गौशालाएं खोलने का लक्ष्य रखा गया है। कमलनाथ सरकार का यह सबसे बड़ा फैसला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।